Hi guys, welcome to the channel once again. And in this video, we'll be looking into the conference day experience of mine at 17 SSB Bangalore. So let's get going. Ladies and gentlemen, as you all know by now that on day 5, we have our conference day. And conference day se pehle, aap day 4 mein apne sara aap luggage pack kar lete hain. Aur day 5 ko aap apna luggage sara pack karne ke baad, फॉर्मल्स पहनने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपना सारा लगेज अपने लिविंग स्पेस से ले जाके आप रिपोर्टिंग शेड में रख देते हैं जहाँ पे आपने डे वन में अपना लगेज रखा था स्क्रीनिंग से पहले. सो ऑन डे 5 जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अपना लगेज रख देते हैं रिपोर्टिंग शेड में, फिर आपको JCO या फिर NCO आपको बताएंगे कि आपको कॉन्फ्रेंस हॉल के वेटिंग रूम में जाना है और वेट करना है वहाँ पे. सो इन आर केस वी वेटेड फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर एंड देयर आफ्टर आर क्लोजिंग एड्रेस बिगैन. क्लोजिंग एड्रेस देने के लिए 17 SSB के डेप्यूटी प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने अपना क्लोजिंग एड्रेस दिया. क्लोजिंग एड्रेस में काफ़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट माई पर्सनल इंटरव्यू वॉज टेकन बाय दिस ऑफिसर ओनली हु वॉज द डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ 17 SSB. सो सर अराइव्ड एंड देर आफ्टर ही बिगैन विद हिज एड्रेस एंड इन विच ही टोल्ड अस अबाउट अमिताभ बच्चन एंड द पोलिटिकल कनेक्शन विच ही हैड एंड ही हैड ऑल्सो अटेंडेड SSB बिफोर एंटरिंग इन टू बॉलीवुड. उनके फादर का भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन था रूलिंग पार्टी के साथ. तो बेसिकली उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन टॉल हाइट एंड लीन एंड थिन बॉडी, स्टिल ही कुड नॉट मेक इट. वाई? बिकॉज ही वॉज ऑब्वियसली फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सम OLQs, बट लेटर ऑन ही डिड एक्सीडिंगली वेल. द वे ही नरेटेड द स्टोरी, देर वर सम वेरी माइन्यूट डिटेल्स इन दैट. It wasn't a cliche story which we read in the books that so many great personalities attended the SSB but they could not make it. So after Amitabh Bachchan's story, he told us that even if you are falling short of a single quality, they will not pick you because they are very stringent in the norms, and in case if you are missing out on any of the quality, then it can be very disastrous for the organization because it may lead to casualty or any other junior under you. He also told us about his habit of tracking down the person who he recommends in the SSB interview. Thereafter, he told us that if you have any suggestions to make, then you can make it here. And thereafter, JCO brought a register in which we can give our feedback. But all the candidates were hesitant to make a feedback, and therefore everybody wrote very good and excellent in that register. I also got carried away and I wrote excellent in that. But I had some suggestions to make, which I know that other candidates would have also made. बट देवर अप्रीहेंसिव अबाउट इट. ज़्यादातर कैंडिडेट्स को जेन्युइन सजेशंस देने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो डरते हैं कि वो अगर जेन्युइन फीडबैक दे देंगे तो इट मे हैम्पर देयर रिजल्ट, बट लेट मी टेल यू इट डजेंट. क्लोजिंग एड्रेस से पहले जब आप वेट कर रहे हैं वेटिंग हॉल में और क्लोजिंग एड्रेस आपका नहीं हुआ है, उससे पहले हमें JCO कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ले गए और फॉर्मेशन बताया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठेंगे, यहाँ पे डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यहाँ पे आपके साइक, यहाँ पे GTO, और आपने यहाँ पे आपका चेयर है और आपने इस तरह से अंदर आके चेयर के पास में आके खड़ा होना है. एंड देन दे विल लेट यू सिट एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू गो. बेसिकली उन्होंने हमें समझा दिया कि किस तरह से हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा सर के नाम पे था. ये सारा कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जाने का प्रोसीजर हम जानने के बाद हम लोगों ने वेट किया और उसके बाद क्लोजिंग एड्रेस अटेंड किया डेप्यूटी प्रेसिडेंट द्वारा. एंड देर आफ्टर वी वर कॉल्ड चेस नंबर वाइज टू द कॉन्फ्रेंस हॉल. सिंस मेरा चेस नंबर 13 था तो काफ़ी देर लगी, इनफैक्ट मेरा सेकेंड लास्ट था. सो हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया और सब बहुत ज़्यादा उत्सुक थे क्योंकि आप कॉन्फ्रेंस हॉल से पहले आपको एक वेटिंग हॉल में आप वेट कर रहे हैं. कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर आपके दो चेयर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो जो अंदर वेट कर रहे हैं वो पहले जाएंगे, पहले वाली सीट पे बैठेंगे, दूसरी वाली सीट पे बैठेंगे और फिर एंटर करेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में. और एक डिस्प्ले बोर्ड होगा कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने जहाँ पे आपका चेस नंबर डिस्प्ले होता रहेगा. आपको कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एंटर करना होता है एक अलार्म बेल पर, सो आप उससे पहले एंटर नहीं कर सकते और बस आपको कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर वेट करना होता है. सो जब मुझे अंदर बुलाया गया तो मैं लिम्प कर रहा था एज आई हैव टोल्ड यू. देन द फर्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन फ्रॉम द डेप्यूटी प्रेसिडेंट वाज दैट गुरुप्रकाश व्हाई आर यू लिम्पिंग. देन आई टोल्ड हिम दैट सर आई सफर्ड दिस इंजरी व्हाइल आई वाज डूइंग माय इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग दैट इट वाज अ माइनर इंजरी एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ. And while the deputy president was asking me questions, the president of the board and the other officers were closely observing me. Each and every body movement of mine was observed properly, and thereafter he asked me another question. So Gurprakash, where do you rank yourself among your group? I gave him an answer that sir, I see myself in the top 3. And thereafter he asked me that who are the top 2. Then I told him that chess number 8 and chess number 14. And then he was satisfied with this answer. After saying okay to this answer, he asked me the concluding question.
do you have any suggestion for us? Then I responded that everything is up to the mark. But again, the deputy president asked me that since you have been to AFOS board also, we would like you to make some suggestions here. Then I told him that in the cafeteria, they are overcharging us. Cafeteria mein aapko baat karne ke liye, wo aapko ek 2G wala phone dete hain. Actually, Bangalore board mein aapke mobiles deposit ho jate hain day one mein hi aur aap mobiles carry nahi kar sakte hain. Aapko cafeteria mein mobiles provide kiye jate hain jahan se aap baat kar sakte hain. The rate of call is 1 rupee for 1 minute. बट मेरा फीडबैक ये था कि अगर आप वहाँ पे मोबाइल उनसे लेते हैं और आपकी कॉल नहीं लगती है, लेट्स से अगर आपने 10 मिनट तक मोबाइल से ट्राई किया और आपकी कॉल किसी ने रिसीव नहीं करी, तब भी आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे जब से उन्होंने टाइम लिखा था. मतलब ये है कि जब आप उनसे मोबाइल लेते हैं तो वो अपने रजिस्टर में वो टाइम लिख लेते हैं और जब तक वो मोबाइल आपके पास रहता है, बजाय आपने किसी से बात करी है या नहीं करी है, तब तक वो आपका टाइम काउंट होता रहता है और वहाँ से आपको उनको पैसे देने होते हैं. बट ये चीज़ गलत है क्योंकि AFOS बोर्ड में जितना आप बात करते हैं उतना आपका पेमेंट होता है और वो चीज़ वो नोट करते हैं कि कितनी देर आपने बात करी. बट हेयर इन दिस कैफेटेरिया, दिस पर्सन हु वॉज देयर, ही वॉज एक्चुअली ओवर चार्जिंग द कैंडिडेट्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज कैंडिडेट्स हैव टोल्ड हिम दैट दिस थिंग इज रॉन्ग. सो बेसिकली अगर आपने मोबाइल अपने पास लिया और 10 मिनट तक आप ट्राई करते रहे और किसी ने पिक नहीं किया, फिर भी आपको पैसे देने होंगे उन्हें. जितने भी मिनट आपके पास पोजेशन रहा है मोबाइल का, उतना आपको पे करना पड़ेगा. सो आई टोल्ड देम ऑल इन 2-3 लाइंस एंड देयर आफ्टर दे वर सैटिस्फाइड विद दैट एंड आई थिंक दे मस्ट हैव टेकन अ नोट ऑफ दैट एंड दिस इज हाउ माय कॉन्फ्रेंस एंडेड एंड वी वर अगेन अकोमोडेटेड इन द सेम वेटिंग हॉल. शुरू के कैंडिडेट्स को बता दिया जाता है कि जब आपका कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए तो आप नीचे जाके कॉफी ले सकते हैं, अपना रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं और कॉफी पीने के बाद आप ऊपर आके वेटिंग हॉल में बैठ जाएंगे. सिंस मेरा लास्ट था तो मैं डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद वेटिंग हॉल में ही चला गया और उसके बाद फिर JCO साहब आए और उन्होंने बताया कि आजकल साहब लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स डरे हुए हैं और वो कोई फीडबैक नहीं देते हैं, क्या वजह है. फिर मैंने मनी मन में सोचा कि अच्छा वो मैंने उन्हें सजेशन दिया क्योंकि आजकल ऑफिसर सोच रहे हैं कि कैंडिडेट्स डर के कारण सजेशन नहीं दे रहे हैं. इसके आधे घंटे के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक ऑफिसर आए जो एक टेक्निकल ऑफिसर थे. मैं आपको बताना चाहूंगा GTO साइक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के अलावा भी एक और ऑफिसर थे, एक और ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे जिनका डेजिग्नेशन था टेक्निकल ऑफिसर का. सो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए और वही आए. इन बातों के बाद रिजल्ट का समय आ गया और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर आए और उन्होंने हमें क्लियर कर इंस्ट्रक्शन दिया कि जिसका भी चेस्ट नंबर बोला जाएगा वो खड़े होके अपना चेस्ट नंबर और नाम बताएंगे और वो पीछे चले जाएंगे. सो इन नो टाइम ही अनाउंस द फर्स्ट चेस्ट नंबर, दैट वॉज माइन, चेस्ट नंबर 13. एंड आई स्टूड अप एंड आई कॉल्ड आउट माई चेस्ट नंबर एंड माई नेम एंड आई वेंट बैक एंड फ्रॉम माई ग्रुप वन मोर कैंडिडेट वॉज रिकमेंडेड, दैट वॉज चेस्ट नंबर 8. The second chess number which was announced was chess number 8. But वहाँ पे थोड़ा confusion हो गया था कि chess number 7 को बोला है या 8 को बोला है, क्योंकि chess number 7 खड़े हो गए थे और chess number 8 को लगा कि chess number 8 का नाम नहीं लिया है तो वो बैठे रहे और फिर से उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है और फिर उन्होंने कहा कि मैंने chess number 8 का है, तो फिर chess number 8 उठे और वो फिर मेरे साथ पीछे आए. तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से आपका अनाउंस हुआ रिजल्ट और किस तरह से पूरा कॉन्फ्रेंस आपका कंडक्ट होता है. 5 मिनट में रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद टेक्निकल ऑफिसर चले जाते हैं और फिर सारे कैंडिडेट्स हमें आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और थोड़ा फिर दुख भी होता है कि हमारे साथ के दोस्त नहीं हो पाए इस SSB में. फिर एक दूसरे से गुड बाय कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं और हमें वेटिंग हॉल में ही वेट करना पड़ता है क्योंकि फिर हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं. इससे पहले हमें मोबाइल्स हमें वापस कर दिए जाते हैं और फिर हम अपने पहले मोबाइल्स ऑन करके अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं कि हमारा ऐसा सिलेक्शन हो गया, या जिसको भी आपको कॉल करना है आप तब कॉल कर सकते हैं आधे घंटे तक. और फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन में डाल दिया जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं. किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो मैं आपको बाद में गहराई से बताने वाला हूँ. और कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद क्या प्रोसीजर रहता है वो आपको मैं बताऊंगा और मेडिकल प्रोसीजर क्या रहता है जो हमारा AFOS कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में हुआ और क्या क्या होता है आपके मेडिकल में वो आपको मैं बताने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज लीव योर कॉमेंट्स डाउन बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.